दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए रैंकिंग के अभी 2024 है और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है वापस और आपके लिए वापस एक रैंकिंग का वीडियो बना रहा हूँ अपने नॉलेज के अनुसार द टॉप 20 25 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ रैंकिंग जो है देखिए कई रैंकिंग में ना वन और टू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर एक्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आई एम अहमदाबाद आएम बैंगलोर आई एम कैलकटा दीज थ्री आर द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया इन तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज़ जो ए जाएगी वो बी भी जाएगी जो बी भी जाएगी वो सी भी जाएगी ठीक है स्टूडेंट क्वालिटी भी देखो तो आप देखोगे तीनों में एक ही लेवल का ऑलमोस्ट आई एम ए बी में पास कोर्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है आई एम कैलकटा में कैट uh, पर्सेंटाइल को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एक चीज़ में अंतर होता है कल्चर का वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप चूज़ करो पर उस कल्चर बहुत सब्जेक्टिव होता है राइट कि किसी को हो सकता है चिल कॉलेज चाहिए तो आई एम कलकड़ा में थोड़ा चिल कल्चर था ऐसा बोलता आया है रिसेंटली चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता आई एम बैंगलोर में थोड़ा एकेडमिकस प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू आई एम कलकड़ा अहमदाबाद तो ये सब चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा ताकि आप चूज़ कर पाओ लेकिन दो चीज़ें जो मैंने बताया नंबर वन टीयर में रैंकिंग मैं आपको दूंगा और उसमें वन टू थ्री भी कर दूंगा लेकिन फिर वो हो सकता है कि कुछ टीयर का सेम रैंकिंग हो ठीक है सबसे पहले डियर फ्रेंड्स और दूसरी बात आई को मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ टू ईयर एम को ही कवर कर रहा हूँ ठीक है और कोई कॉलेज छूट जाए तो वो छूट गया होगा कमेंट में पूछना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे कॉलेजेस कवर करूँ ठीक है सबसे पहला वन टू थ्री जो है होली ट्रिनिटी बोलते हैं इसको वन टू थ्री लो तीनों एक ही लेवल पे है कोई वन कोई टू कोई थ्री नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आई एम बैंगलोर आई एम अहमदाबाद आई एम कैलकटा तीनों एक ही लेवल पे हैं आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो सकता है कि कोई आ, बोले कि मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ क्योंकि हर्षा बोगले बोगलेमदाबाद से है चेतन भगत आह अहमदाबाद से मेरे पेरेंट्स को लगता है कि अहमदाबाद इज मोर पॉपुलर इज द बेस्ट बी स्कूल इन इंडिया एक्चुअली अहमदाबाद हैज़ बीन टाउटेड टू बी द बेस्ट बी स्कूल इन इंडिया बट कोई रिसर्च करे तो मैं आपको बता दूँ ए में ज्यादा अंतर नहीं है इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Uh, कई बार देखा गया है कि आई एम बैंगलौर का नंबर ऑफ़ आवर्स देखा जाए तो जल्दी प्लेसमेंट हो जाता है कंपेयर टू अहमदाबाद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बैंगलोर इज़ अ वेरी बिगर सिटी देन अहमदाबाद सेकेंडली आई एम बैंगलोर में पास स्कोर्स मतलब सीवीज़ क्योंकि मैं रहा हूँ बैंगलोर में आई पार्ट ऑफ आई एम विशाखापटनम आई वज पार्ट ऑफ़ द प्लेसमेंट कमेटी और हमारा पूल प्लेसमेंट हुआ था आई एम बैंगलोर में सो आई वॉज वर्किंग विद द आई एम बैंगलोर प्लेसमेंट कमेटी आई एज़ वेल ये वीडियो लोग काफ़ी टाइम तक देखेंगे इसलिए uh, आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मैं किस रिसर्च से किस लिहाज से बोल रहा हूँ काफ़ी मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट स्टडी किया है आई एम बैंगलोर में क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं अहमदाबाद में भी आते हैं पर बैंगलोर में और ज़्यादा टेन ट्वेल्व कॉलेज वर्क एक्स और ज़्यादा स्ट्रॉगर सीरीज़ होते हैं अगर तीनों की बात करें बेटर सीवीज़ थोड़ा सा आई एम बैंगलोर का ज़्यादा मिलेगा आपको आई एम कैलकटा में सीवीज ए बी के लेवल का नहीं मिलेगा क्योंकि आई एम कैलकड़ा हैज़ हिस्टोरिकली गिवन मोर इन्फोसिस टू कैट स्कोर फ़ाइनल कन्वर्जन में जब कैट स्कोर को ज़्यादा इन्फोसिस दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पर कुछ लोग थोड़ा मीडियाकर मीडिया कर मतलब एटी फाइव परसेंट टेन ट्वेल्व में घुस सकते हैं आई एम बैंगलोर में आप सीरीज देखोगे नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव परसेंट एटी परसेंट ऐसे ही भर्ती पड़े होते हैं ठीक है अहमदाबाद का भी ऐसे ही भरा होता है बट इतना आई एम बैंगलोर जितना स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च नहीं है मतलब बैंगलोर में तो बहुत ही घुसना मुश्किल होता है बैंगलोर का कैट परसेंटाइज भी थोड़ा कम होता है एवरेज अहमदाबाद से तो आपको क्या लग रहा है ठीक है मैंने आपको बताया जैसे आ, जनरली आई एम कैलकड़ा का कल्चर थोड़ा चिल बुला गया लोग बोलते हैं अकेडमिक प्रेशर थोड़ा कम होता है बैंगलोर का एकेडमिक प्रेशर होता है अच्छा प्रेशर होता है uh, कई लोगों को मैंने फेल होते भी देखा मतलब है मतलब कई मतलब चार पाँच लोग फेल होते हैं आई एम बैंगलोर में मैंने सुना है देखा है ठीक है अहमदाबाद में मीडियाकर uh, है ठीक है तो तो दीज आर दिंग्स विच विच डिफरेंशिएट्स कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो कुछ अंतर है नहीं ज़्यादा हो सकता है कि एक कंपनी आधा इधर उधर दो तीन इधर उधर हो जाए बट मोस्टली द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट आर सिमिलर क्या अलग मिलता है आपको बाकी कॉलेजेस में मैं बता देता हूँ द मेन डिफरेंस इज फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स यहीं पे आपको ज़्यादा ऑफर होंगे इन तीनों के बाद बहुत ही सिंगल डिजिट ऑफर होगा ठीक है यहाँ का डे माइनस एक्चुअली डे माइनस होता है मैंने देखा है डे माइनस जब होता है इनका डे थ्री डे फोर तीन चार दिन में प्लेसमेंट्स कवर हो जाता है तीन दिन चार दिन में अभी प्लेसमेंट्स की हालत खराब है लेकिन हिस्टोरिकली मैं बोल रहा हूँ ये ए में ही होता है और कहीं तीन दिन में प्लेसमेंट्स कवर बहुत कुछ कॉलेज में होता है जो निश कॉलेज है लाइक टाटा इंटर सोशल साइंस बड़ा और कहीं नहीं होता ठीक है तो वट आई द मेन रीजन वाई दीज थ्री आर टॉप प्लेसमेंट्स वाइज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू गेट फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स ओनली हेर मोस्टली रोल केट इन अदर बीज स्कूल इन इंडिया राइट नाउ सेकंडली द नंबर ऑफ कंसल्टिंग रूल्स यहीं पर मिलेगा इसके अलावा आई एस बी में मिलेगा आपको यहाँ पे सौ कंसल्टिंग रूल्स आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग मिलेंगे मेक इन जी बी सी जी में और ये आई एस बी में मिलता है उसको मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में बट इसके अलावा और आपको कहीं इतना सारा कंसल्टिंग रोल्स नहीं मिलेगा दिस इज़ वाई दीस थ्री आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया बाई फार अब बात करें फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स रैंक में अगेन एक टीयर पे आता है सेम लेवल है सेम लेवल है कौन तीन कॉलेजेस एक्जेल राइज जमशेदपुर आई एम लखनऊ एफ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ आई एम लखनऊ कुछ टाइम पहले तक एक्जेल से ऊपर ही मैक्सिमम लोग प्रेफर करते थे अभी आई एम लखनऊ का थोड़ा न्यूज़ uh, क्या है कि फैल रहा है कि प्लेसमेंट्स थोड़ा मुश्किल हो रहा है पर ऐसा नहीं है कि आ, कुछ ज़्यादा बहुत मुश्किल हो रहा होगा एक्ज राय एफ एम के कंपैरिजन में ठीक है आई एम लखनऊ स्टिल एन आई एम इट स्टिल हैज़ बेटर ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो बिकॉज इट हैज एन आई एम नेम एसोशिएटेड विद इट तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है हालांकि अगर मैं रैंक करूं अपना पर्सनल रिसर्च के अनुसार तो एक्सल राय को आई वुड कीप अ लिटिल अबव आई एम लखनऊ बट बट बीएम के लिए करो एचआर के एक्सल राय नंबर वन ठीक है बीएम की रैंकिंग्स है बट अगेन पीपल वॉन्ट डी आई एम टैग तो यू कैन प्रीफर आई एम लखनऊ इफ़ यू वॉन्ट आर ओ आई यू कैन प्रीफर एफ एम एस एंड डेली यू कैन प्रीफर एफ एस ओवरऑल वाई आई हैव आई वुड कीप एग्जल राय अबव आई एम लखनऊ एंड एफ एम एस लेकिन तीनों एक टेयर पे देखो फोर फाइव सिक्स ही है पर मैं थोड़ा एक्जल को ऊपर रखता हूँ क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है बिना आई एम के टैग के एक बी स्कूल एक एलुमनाई से कनेक्ट बना के रखा है स्टूडेंट्स ने कल्चर जा डाल के रखा है कल्चर आप बी स्कूल में जाते हो तो पता पड़ता है बीन टू एक्जेल रहा है अब बीन टू एक्जेल मैंने वीडियोस बनाए एंड दे हैव अ ग्रेट कल्चर मतलब कि आप आज भी उनके एलुमनाई ग्रुप को रीच आउट करो आपको कोई वी लेवल का भी बंदा तुरंत हेल्प करता है इसका एक कारण ये भी कि इतने सारे एच आर से निकले हैं तो वंस एच आर से तो जनरली हायरिंग डिसाइड करते हैं हायरिंग पॉलिसीज डिसाइड करते हैं राइट तो ये कारण से भी एक्जेल माफिया बोला जाता है एच आर इतने सारे और कॉलेज से नहीं निकलते हैं एग्जेल वाई से निकलते हुए हैं सो दे हैव प्रॉब्ली मेड श्योर वट एवर द रीजन आई बिलीव एक्जल वाई हैज अ ग्रेट कल्चर एंड विच इज वाई आई वुड कीप इट अबव आई एम लखनऊ बट दिस आर द सेम लेवल हो गया फोर फाइव सिक्स ठीक है अब बात करते हैं सेवन एट नाइन का अगेन सेम लेवल पे है कोहिकोर इंदौर एस पी जैन अब यहाँ पे थोड़ा अभी कोहिकोर को लोग प्रेफर करते हैं इंदौर के ऊपर वाई द रीज़न बी द रीज़न बींग कि इंदौर में कभी बैच साइज़ ज़्यादा हो गया था फिर उसको थोड़ा कम किया फिर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं कोई कोर में इतने कोर्सेज़ नहीं है जितना इंदौर में है इंदौर में एच भी है फिर मुंबई वाला भी थोड़ा बहुत आ जाता है फिर आई भी है तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है कम uh, कंपनीज़ को बोला जाता है कि आप सबके सी भी देख सकते हो तो देखो कोई कोर में ऐसा कुछ नहीं है हालांकि अंटिल फ्यू इयर्स बैक कोई इंदौर वाज कंसिस्टेंटली रैंकिंग अबव कोईकोर मतलब अर्ली 2000 में बट नाउ थिंग्स हैव चेंज कोईकोर इज़ एक्चुअली अबव इंदौर बट नॉट बाई मच उसके बाद एस पी जैन है एस पी जैन इज एन इक्वली गुड कॉलेज इनके कोई कम नहीं है इन दिनों में लेकिन वो है कि थोड़ा बैच साइज़ कम है तो बैच साइज़ कम होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वालिटी रोल्स ऑल्सो कम क्योंकि उतने कम ही लोगों को लेने आते हैं तो कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं यहाँ तो इतने रोल ऑफर हुए कंसल्टिंग यहाँ कम हुआ क्योंकि क्या होता है कि द मोमेंट यू गो बिलो ए बी सी द नंबर ऑफ कंसल्टिंग रूल्स बिकम लेस एग्जेल एफ एम एस और लखनऊ में फिर तो आएगा बट कोई कोर इंदौर में एस पी जैन में सीजी भी इनकी बहुत कम आएंगे मतलब थोड़े कम आएंगे ठीक है तो द क्वान्टिटी इज़ मोर इन इंदौर बट दैन ऑफकोर्स कॉम्पिटन इज ऑल्सो मोर सो दिस इज सेवन एट नाइन ठीक है अभी इसके जो नेक्स्ट लेवल है एम डी आई 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 एफ टी आता है टेन इलेवन में बोलूंगा जमनाला लाल बजाज भी अगर बोला जाए तो यहीं पर दिया जाएगा जमनाला लाल बजाज में uh, पहले तो थोड़ा ऊपर था एम डी आई आई एफ टी के बट आई थिंक एम डी आई हैज़ कंसिस्टेंटली कैप्ट क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स आई एफ टी का ऊपर नीचे होता रहा है बट स्टिल इट्स सेम लेवल एज आई आफ टी मैं रैंक नहीं करूँगा बट ये आपका हो गया टेन इलेवन टवेल्व एम डी आई आई एफ टी जमुना बजाज यहाँ पे अब क्या अंतर हो रहा है यहाँ पे अब अंतर हो रहा है देर इज एक्चुअली डिफरेंस स्टाक डिफरेंस बिटवीन द कंसल्टिंग रोल्स डेट यू गेट कॉलेज अंटिल एस पी जे कोई कोर इंदौर ठीक है एम डी आई आई एफ टी और जमुना बजाज में कंसल्टिंग रोल मिलेगा आपको पर क्वालिटी कंसल्टिंग रोल्स नहीं मिलेगा मेकिनजी पी सी जी से लेना बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग मिलेगा तो फिर मिलेगा एक्सेंचर स्ट्रैटेजी डिलॉयट यू डिलोयट का एक है एस वो मिल सकता है उसके बाद वो मिलता है ये मिल सकता क्या है तो ये सब कंपनीज मिलेगी मेकिजी पी सी नहीं चल जाएगा फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दिखने को ही नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम पे आएगा बट फ्रंट एंड जो होता है क्या होता है अलग वीडियोज़ में <laughs> वो यहाँ नहीं मिलेगा सो दिस इज़ नाउ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉलेजेस तो अगर आप बहुत ही फार बच्चे हो आई से हो और एस आर सी से हो और आपको एकदम टॉपिक कॉलेज आना है फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे एक बाउंड्री लगा सकते हो एम के ऊपर पर इसके ऊपर बाउंड्री लगाना तो बेवकूफ़ी है इन टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉप लेना भी अगर आप कोई को छोड़ के अहमदाबाद के लिए एक साल का ड्रॉप ले रहे हो मैं बेवकूफ़ी मानूंगा लेकिन एम छोड़ के आप ले रहे हो कि एफ एम जाना है एक्सल जाना है कर सकते हैं एक साल का उससे ज़्यादा नहीं ठीक है ये हो गया अपना टेन ट्वेल्व अब यहाँ पे आके मैं दो कॉलेज को रैंक करूँगा नीच बेस्ड कॉलेजेस है दोनों uh, लेकिन ये अपने फील्ड के बेस्ट है कोई नंबर टू है बोलेंगे लोग लेकिन नंबर टू भी नहीं है एक्चुअली एज गुड एज नंबर वन इन इंडियन एंड दीज आर नंबर वन टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस एंड आई बॉम्बे दोनों अलग अलग फील्ड्स के लिए फेमस है टेस्ट इज ओनली फेमस फॉर एच आर बॉम्बे इज़ मोस्टली फेमस फॉर ऑपरेशंस एंड फ्यू अदर रूल्स ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्केटिंग का रोल या प्रॉपर फाइनेंस का रोल नहीं मिलेगा आई बॉम्बे में उतना जितना आपको बाकी में मिलेगा तो बट ऑफकोर्स इनको रैंक करना चाहिए थर्टीन फोर्टीन नीटी भी ऑलमोस्ट सेम रोल्स होते हैं आई बॉम्बे टाइप का उसको भी आप यहाँ पे थोड़ा मान सकते हो तो ये फिर इस इससे नीचे इस लेवल पे कॉलेज आ गया तो पंद्रह तक ये टॉप फिफ्टीन कॉलेजेस माना जाएगा ये हो गया पक्का टीयर वन कॉलेजेस ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड मतलब दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द फील्ड्स यहाँ पे आपको बेस्ट कंपनीज मिलता है कोई आपको कम नहीं मिलता है मार्केटिंग में तो एम डी आई में आपको अहमदाबाद इतना ही मिलेगा प्लेसमेंट का क्वालिटी ठीक है जैसे मैंने बताया सिर्फ कंसल्टिंग और फाइनेंस में अंतर होता है एच आर करना है तो टेस्ट में आपको एक्जेल के लेवल का ही क्वालिटी मिलेगा ऑपरेशन करना है तो आई बिलीव ऑपरेशन एस पी जेन इज अ बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया बट क्योंकि वहाँ पर बच्चे कम ऑपरेशन लेते भी और सब उस वह ऐसे कॉम्पिटिशन कम होता है यू कैन द बेस्ट रोल्स बट आई डी बॉम्बे को भी बेस्ट बोलो तो कोई बोल सकते हो नीटी को भी ज्यादा नीटी भी अच्छा है ऑपरेशन के लिए उतना ही तो ऑपरेशन के लिए नीटी आई डी बॉम्बे एसपी जेन ऑल थ्री आर द बेस्ट तो ये टीयर वन के पंद्रह कॉलेजेज हो गए एम आई डी फ्रेंड्स ठीक है अब जैसे मैंने वीडियो में टॉप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बताया तो कुछ कॉलेज की और बात करते हैं इसके बाद जैसे मैंने बताया स्टॉक डिफरेंस आ गया टीयर वन एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो गया अब वन पॉइंट फाइव टीयर में एक तरह से बोल सकते हैं या टू बोल लो जो बोलना है बोलो लो वन पॉइंट फाइव बोलते हैं इसमें अब एक आई एम आएगा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है वो है आई एम शिलोंग आई एम शिलोंग में रूल्स किस तरह के ऑफर होंगे अब देखो अब समझना ज़रूरी है ये एक्चुअली बहुत लंबा बहुत ही ये वीडियो बहुत ही रैंकिंग करना ना बहुत ही मुश्किल है और जो लोग दो तीन साल से कैट रहे जिनको प्लेसमेंट पता है वो लोग बता सकते क्यों अंतर हो रहा है रैंकिंग तो अब सिक्सटीन हो रही है आई एम शिलोंग की लेकिन अंतर हो रहा है अब आई एम शिलोंग और एम डी आई में मार्केटिंग का क्वालिटी देखे तो अंतर हो जाता है मैं बताता हूँ कैसे एम डी आई तक मार्केटिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता था आए अहमदाबाद के मार्केटिंग रूल्स एम के मार्केटिंग रूल्स में ज्यादा अंतर नहीं होता है आप रेकेट से दुख गए एफ एम सी जी मार्केटिंग करना अहमदाबाद में जाते हैं लोग एम डी आई से भी जाते हैं ऑलमोस्ट सेम तरीके से पर आई एम शिलोंग से आपको रेकेट एच यू एल ऑल दिस प्रीमियर कंपनीज पी एन जी एक सिंगापुर का रोल देती थी बहुत बढ़िया एंड ऑल ऑफ दिस प्रीमियर एफ एम सी कंपनीज आप जैसे आप अहमदाबाद गए मार्केटिंग में बैठ रहे हो तो आपको जनरली एफ एम सी जी लेके जाएगी लेकिन आई एम शिलॉन्ग में उतना आसान नहीं होता एम डी आई में फिर थोड़ा होता है उतना आसान नहीं होता है अहमदाबाद जितना आएम शिलॉन्ग में तो मुश्किल होता है कि आपको कोई एच और पी ही लेके जाए और सिंगापुर में रोल दे दे से मुश्किल है है तो यहाँ पे आ जाता है। मतलब देने का सिक्सटीन रैंक है बट अंतर है मार्केटिंग में इसलिए मैं एम को तो बहुत ऊपर मानता हूं आम शिलॉन्ग से मार्केटिंग के लिए कंसल्टिंग कंसल्टिंग का तो वहीं पे अंतर आ गया तो, तो यहाँ भी अंतर आएगा बट ठीक है आएम शिलॉन्ग में भी कंसल्टिंग आ रहे हैं आएम्स में कंसल्टिंग जल्दी ग्रो करता है थोड़ा मतलब कंसल्टिंग के रूल में आई एम्स जनरली ग्रो मोर समाउ कंसल्टिंग कंपनीज ऑलवेज आई एम टैग विच बाई आ अनटिल समर एक्सल इन एफ एम एस स्टिल इज बट अभी थोड़ा सा आय लखनऊ का क्या है कि प्लेसमेंट रिपोर्ट निकालते नहीं सैलरी निकालते नहीं है तो उनका एक बार एक बच्चा किडनेप हो गया था ऐसा कहते हैं लोग सैलरी निकाल दिया था तो ये ये मार्केट में हुआ है ये बात आप सीख जान लो जिनको नहीं पता है आयम लखनऊ पहले सैलरी निकालती थी एक बार क्या हुआ जितना मुझे पता है काफ़ी हद तक सच है कि दे रिलीज द हाईस्ट सैलरी इन हु गॉट इट एंड दैट गाय गॉट किडनेपड किडनेप फॉर मैरिज और आई डोट नो वॉट बट कुछ हो गया था उसका तो उसके बाद फिर से उन्होंने तो सैलरीज एवरेज सैलरीज निकालना बंद कर दिया कुछ ऐसा एनी माय पॉइंट वाज आई एम शिलोंग में अंतर है बट सिक्सटीन रैंक शिलोंग को ही देंगे अब जो है इसके बाद के जो कॉलेज हैं अब इनमें बहुत फाइट होती है साल के साल में भी आ, कभी कभी चेंज हो जाता है जैसे एक समय माना जाता था आई एम रांची वॉज द बेस्ट न्यू आई एम अभी कुछ लोग बहुत लोग मानते हैं आई एम उदयपुर इज़ द बेस्ट न्यू आई एम आई बिलीव आई एम उदयपुर इज इज़ दी बेटर न्यू आई एम बट ज़्यादा अंतर है नहीं तो एनी वे अब जो है अब प्राइवेट कॉलेज भी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे सिक्सटीन के बाद एन एम आई एम एस लड़ने लगेगा एस आई बी एम पुणे लड़ने लगेगाट माई रैंक ऑफ रैंक सेवेंटीन आई वुड गिव टू एस आई बी एम पुणे एस आई बी एम पुणे में आपको रेजिडेंशियल कॉलेज मिलता है तो फीस कम होती है एन एम आई एम एस बॉम्बे एस आई एम पुणे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है एस आई वी एम पुणे का मार्केटिंग एन एम एस बॉम्बे से ज़्यादा अच्छा है ठीक है लोग बोलते हैं फिनेस एन एम आई एम एस बॉम्बे का एस आई एम पुण से ज़्यादा अच्छा है बता देता तो था मैं आपको एच आर की बात करेंगे नहीं इसमें उतना ज़्यादा तो बट एस आई ओवरऑल को मैं रैंक ज्यादा दे रहा हूँ एन एम आई एस बम्बे से एंड न्यू एम्स के ऊपर रखा बिकॉज यू गट अल गुड मार्केट रोल एक्चुअली वेरी गुड मार्केटिंग रोल्स एन एस आई बी एम्पू वेरी गुड मार्केटिंग एच आर रोल्स एन एस आई एमपू ने वेरी गुड वेरी गुड कैम्पस लाइफ एज वेल एंड विच इज वाई एंड आपका फीस एन एम जितना नहीं लगेगा क्योंकि आपको अलग से बहुत लोग को नहीं रहना पड़ता कैंपस लाइफ है तो एस आई बी एमपू ने सेवनटी एटीन आई वुड स्टिल गिफ्टो बट एलुमनाई नेटवर्क वगैरह के कारण प्रीमियर रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आप आपको ठीक है इसके बाद न्यू आयम्स आते हैं न्यू आयम्स में अब मैं रैंकिंग चलो मेरा फेवरेट आयम उदयपुर है बट अगेन आई वुड नॉट गो उतना डीप बट उदयपुर एंड रांची एंड त्रिची आर सेम लेवल ऑफ न्यू आएम्स ट्वेंटी ट्वेंटी उदयपुर एंड रांची माई डियर फ्रेंड्स ये नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन हो गया यहीं पे मैं रोक रहा हूँ दिस इज दॉप ट्वेंटी एम बी ए कॉलेज ऑफ इंडिया टीयर वन आगे और वीडियो बनाएंगे और वो टीयर में ही बात करेंगे फिर कुछ कॉलेज मिस होता है तो मिस हो जाएगा तो आप कमेंट्स में बोलना वो कॉन्शियसली मिस नहीं कर रहा हूँ थोड़ा आजकल इतने नए नए कॉलेज निकल गए बट दिस इज़ वेर दीज द टॉप ट्वेंटी कॉलेजेस ऑफ इंडिया माई डिया अगेन ऑफ पीपल प्रीफर आई एम रांची टीची उदयपुर ओवर ओर एन आई वुड ऑल्सो डू इट टू रीजन वुड भी वहाँ पे कैंपस लाइफ मिलेगा एन में हर कोई कैंपस में नहीं रहता मतलब उनका बाहर फ्लैट में रहते लोग पर अगेन एन एम एम एस एफ बॉम्बे का लाइफ है और टॉप सौ पीपल ऑफ़ एन एम एम एस बॉम्बे गेट बेटर प्लेसमेंट्स एट इन डी सी एम्स बट अलॉर्ट ऑफ पीपल बिलीव की गारंटी हम टॉप सौ में रहेंगे uh, तो उस वजह से बहुत लोग न्यू एम्स को प्रीफर करते हैं बट बिकॉज एन एम एम एस एस आई स्टैब्लिश कॉलेजेस कोई भी स्कूल में प्लेसमेंट कैसे होता है कंपनी कैसे आती है आप वहाँ से निकलोगे अच्छा परफॉर्म करोगे आप उस कंपनी में डायरेक्टर लेवल पर जाओगे फिर आप बोलोगे मैं इस कॉलेज से बंदा उठाऊंगा ये होता है तो ये तरीका में दस साल लग जाता है तीची उदयपुर में तो लग गया है पर एन को तो सालों साल हो गए डिकेट्स हो गया है तो क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स मेरे लिए मेन फैक्टर वो है उसके लिए रख बिकॉज एन एम आई एम एस बॉम्बे स्टिल हैज ऑल कॉम्पिटिशन्स लॉरियल ब्रांड्स तो मतलब ऑल कॉम्पिटन कॉपरेट कॉम्पिटिशन होता है जिससे आप फिर एफ एम सी जी और यह सब कम्पनी क्रैक कर सकते हो न्यू आई एम नहीं मिलेगा माइडियस तो ये रीज़न है अभी कुछ लोग बोलेंगे तो एन एम आई एम एस का थोड़ा हुआ है क्योंकि बैट साइज ज़्यादा है थोड़ा इन्फ्लेट करती है प्लेसमेंट्स करती है बट दिस इज द रैंकिंग मेजर पीपल विल ऑल द बेस्ट स्टे सेफ एंड टेक केयर